एम्स कोरोना वॉरियर्स की तरफ से पूरे देश के वासियों को नमस्कार, नमन, गुड इवनिंग। साथियों, मैं एम्स के दिल्ली से बोल रहा हूँ, हरीश काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन। बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जिन लोगों के लिए कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने ताली बजाई, थाली बजाई, इवन दिए तक जलाए, और हम लोगों ने हमारे घर परिवार की सारी चिंताएं छोड़ के आप लोगों की सेवाएं की, लेकिन जब कोरोना काल नहीं था उस टाइम की जो डिमांड या जो जस्टिफाइड डिमांड थी, जो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मानी थी और हमारे डायरेक्टर सर उस मीटिंग में मौजूद थे, वो उधर तो हम लोगों की सेवा कर रहे थे, उधर उस सभी डिमांड्स को टर्न डाउन कर दिया गया। और बड़े दुख के साथ हम लग पिछले 6 महीने से इन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें लोगों की सेवा करने दीजिए, हमें ऐसा कोई एजिटेशन नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक न सुनी और हमें मजबूर किया। और हम 13 नवंबर को हमने इन लोगों को चिट्ठी दी कि हम 16 तारीख से इंडिफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे अगर आप हमारी इन बातों को नहीं सुनेंगे तो। मैं इस देशवासियों को और सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि एम्स नर्सेज यूनियन का, नर्सेज का कोई इरादा नहीं है स्ट्राइक पे जाने का, या इस तरह कोई हमारा फैशन नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आके हमें बचा लीजिए, अपने मरीजों को बचा लीजिए। ये लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय लोग, एम्स के लोग आपके मरीजों के बारे में नहीं सोच रहे, एम्स नर्सेज का इलाज करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनका इलाज कैसे किया जाए। आज इन लोगों ने एक बेसिल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे लाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज को यहां भरना शुरू किया है। इन मरीजों को, जो एम्स जिस गुणवत्ता के आधार पर जाना जाता है, उनको किसी के हाथों में ऐसे सौंप रहे हैं मरने के लिए। अगर लोग मरना शुरू करेंगे तो कौन जवाब देगा? क्या जिम्मेदार नहीं है एम्स के डायरेक्टर? क्या जिम्मेदार नहीं है मंत्रालय? 1 साल पहले की डिमांड को इन लोगों ने इस कोरोना काल में साइलेंटली डाउन कर दिया गया, बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से, सभी लोगों से जो मुझे सुन पा रहे, निवेदन करता हूं कि एम्स की नर्सेज को नहीं, अपने मरीजों को बचा लीजिए। हम सेवा करने को तैयार हैं और ये लोग इमोशनल सेंटिमेंट हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं एम्स से बोल रहा हूं, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।